हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा बैच चल रहा है 21 डेज स्प्लैश बैच बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस। सो आपको ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के जो भी हमारे बीकॉम और एमकॉम में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम एक साथ कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और एमकॉम का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि सिलेबस है, तो एमकॉम में जो भी अकाउंट्स है स्टूडेंट्स वो 11, 12th और बीकॉम में जो भी पढ़ा है वहाँ से, और 11, 12th से ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स। हालांकि एक सिलेबस में आपके मेंशन नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ द कोर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमारा डे टू है, ठीक है, डे टू में हमारा पार्ट टू है, तो पार्ट टू में आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स में देखेंगे स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग रेशो, और इस अकाउंटिंग रेशोज़ को स्टूडेंट हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सो इसका ये सब पार्ट रहेगा, ठीक है, ये पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। और मैं आपको स्टूडेंट्स कराऊंगा रेशोज़, वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि बुक में इस तरीके से दे रखा है, हम अपने तरीके से करेंगे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ सको। स्टूडेंट्स आपने समझा होगा अब तक, बहुत से स्टूडेंट ने इस चैप्टर को छोड़ा होगा बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, चार नंबर के एग्जाम में आता है क्या इतनी सिरदर्दी करना, ओके, इतने सारे रेशोज़ हैं, इतने सारे फार्मूलाज हैं, कैसे लर्न करेंगे, क्या है, वो छोड़कर ही चले गए। और एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया होता है। सो स्टूडेंट्स आइए इस चैप्टर को बहुत आसान बनाते हैं, ठीक है। सो तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशोस की, तो व्हाट इज रेशो? तो रेशो क्या है स्टूडेंट्स? दो चीज़ का रिलेशन बताता है। दो चीज़ का क्या बताता है? रिलेशन, किसी भी दो चीज़ का। तो दो चीज़ में हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो यूनिट होने चाहिए हमारे पास, उनका हम रेशो निकाल सकते हैं। तो हम जो रेशोज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले हमारा रेशो होता है लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले कौन सा रेशो होता है? लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो, इसी उसमें पढ़ने हैं आपको, ठीक है, टर्नओवर एक्टिविटी। उसके बाद है सॉल्वेंसी, क्योंकि रिलेट करके पढ़ाएंगे आपको सॉल्वेंसी रेशो। और उसके बाद लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है। ये चार टाइप के रेशोज है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा पहले लिक्विडिटी, फिर पढ़ा होगा सॉल्वेंसी, देन टर्नओवर एक्टिविटी, देन प्रॉफिटेबिलिटी। रिलेशन के थ्रू स्टूडेंट्स आपको पढ़ाना है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशो और टर्नओवर रेशो के बारे में, हम समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, सीखेंगे स्टूडेंट्स जो चीज़ें हमने 12th क्लास में छोड़ दी थी, आज हम सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, हर एक चीज़ का लॉजिक जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम अगर बात करें स्टूडेंट्स लिक्विडिटी रेशो की, तो यहाँ पर बात लिक्विडिटी की हो रही है। किसकी हो रही है? लिक्विडिटी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शॉर्ट टर्म। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म की बात करें। किसकी बात करें? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना अकाउंटिंग ईयर एक साल का होता है, तो उसको अकाउंटिंग ईयर नहीं स्टूडेंट्स, आप एक ऑपरेटिंग साइकिल बोलना। तो ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की भी हो सकती है, 16 महीने की, 18 महीने तक हो सकती है। तो उन सारी एसेट को हम जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम करंट एसेट बोलते हैं। सिर्फ 12 महीने का टाइम पीरियड नहीं लगाएंगे, एक क्या बोलेंगे हम उनको? एक अकाउंटिंग साइकिल बोलेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास लिक्विडिटी रेशो है, इसमें हमने स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में बांटा है। एक है हमारा करंट रेशो, एक हमारा कौन सा है? करंट रेशो, और दूसरा है हमारे पास क्विक रेशो। दूसरा कौन सा है हमारे पास? क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का अलग नाम होता है, क्विक रेशो का क्या नाम होता है? क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो करंट रेशो, अब करंट रेशो, तो स्टूडेंट्स हमें कंटेंट पता होना चाहिए किसी भी चीज का, कि कंटेंट यहां पर किसकी बात करें हम? लिक्विडिटी की। किसकी बात करें? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज करंट में किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो करंट रेशो का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, करंट रेशो इज इक्वल्स टू, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, अब देखो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, दोनों चीजें करंट है। ओके, यहां पे जब हम करंट रेशो की बात करें, तो करंट एसेट लिया करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट एसेट क्यों नहीं हो सकता था? ओके, क्यों नहीं हो सकता था? ओके, अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, ठीक है। यहां पर हमने कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, हमने यहां पर एसेट लिख दी, हमने यहां पर लाइबिलिटीज लिख दी, तो बताइए जो इनका टोटल आ रहा होगा, क्या टोटल में कोई चेंजेस होंगे? नहीं, टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? बैलेंस। बताइए इस तरीके से हम एसेट और लाइबिलिटीज अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? नो स्टूडेंट,
अगर हम ऐसे एसेट और लाइबिलिटीज़ लिख दें तब भी ये सही है, क्योंकि हमें पता है अकाउंट में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। अगर आप स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इंडिया के बाहर की कुछ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एसेट और लाइबिलिटीज इस तरीके से दे रखा है जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ भाई ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट। तो हमने अपने यहाँ यहाँ पर लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, एसेट रिकॉर्ड की हुई है। तो एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर लाइबिलिटीज़ नहीं लिख सकते, एसेट नहीं लिख सकते, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, इसलिए हम चेंजेस कर सकते हैं। वरना कहीं बाहर की अगर आप कुछ देखोगे बुक्स या कहीं वीडियोज़ देखेंगे बाहर की, तो आपको क्या मिल सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एसेट मिल सकती है और यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमने अपने सहूलत के लिए, ओके, देखो रेशियो में क्या है, यहां पर है तो सारी दोनों चीजें करंट, ओके, लेकिन हमारे यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। हमारे यहां पर रेशियो क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यही माना जाता है, ठीक है, ओके। अब दूसरा आता है हमारे पास, अब हमारे पास क्विक रेशियो आता है दूसरा, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिख सकते हैं जैसे क्विक एसेट, क्या लिख सकते हैं हम, क्विक एसेट। और जब क्विक एसेट की बात है तो यहां पर हम लेंगे क्विक लाइबिलिटीज, क्या लेंगे, क्विक लाइबिलिटीज। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटीज, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट, जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, अब याद रखना, ओके। और एक होती है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, एक कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है स्टूडेंट, ये होती है करंट लाइबिलिटीज, और ये कौन सी लाइबिलिटीज होती है, क्विक लाइबिलिटीज। तो अगर कोई करंट लाइबिलिटी है, अगर कोई करंट लाइबिलिटी है तो वो क्विक लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन जितनी भी क्विक लाइबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, करंट लाइबिलिटीज तो होंगी ही होंगी। अब जरा समझ लो इसको कि हमने क्विक रेशियो में क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिखा, हमने करंट लाइबिलिटीज इसको क्यों लिखा है। ये मैं बता रहा हूँ कि हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्विक की जगह हमने करंट क्यों लिखा, उसके पीछे का लॉजिक समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो क्विक एसेट का मतलब क्या है, क्विक एसेट की अगर हम बात करें, क्विक एसेट और करंट एसेट की अगर हम बात करें, तो पहले करंट एसेट में हम समझ लेते हैं कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं करंट एसेट में, ठीक है। देखो कैश तो पहले से ही कन्वर्टेड है, बैंक भी, उसके बाद हमारा आता है डेटर्स, क्या आते हैं हमारे, डेटर्स, ओके। अब देखो कैश क्विक भी है, बैंक भी क्विक है, अब डेटर्स के बारे में समझ लो, ठीक है। देखो डेटर्स का मतलब क्या है, हमने इनको पैसा क्या दे दिया, उधार सामान दे दिया, हमने क्या दे दिया इनको, एक उधार सामान दे दिया। तो इसका मतलब हमारे पास इनसे आने का एक टाइम पीरियड है, क्या है, एक टाइम पीरियड। जब हमें एक टाइम पीरियड पता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने एक टाइम पीरियड पता है हमें कि हमने इनको क्रेडिट सेल करी है, तो जब टाइम पीरियड अगर हमें किसी चीज़ का पता हो स्टूडेंट, ओके, अब टाइम पीरियड ये नहीं कि सर हमें 5 साल का टाइम पीरियड बताया तो वो क्विक हो जाएगा, ओके, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो डेटर से पैसा हमें मिल सकता है एक साल के अंदर अंदर, एक टाइम पीरियड पता है, तो इसलिए ये भी कौन सी एसेट हो जाएगा, क्विक एसेट हो जाएगा, ओके। दूसरा आता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो बताओ स्टूडेंट ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, हालांकि क्या है, इसके लिए हमें सर्विसेज मिल सकती हैं, सिर्फ क्या मिल सकती है, सर्विसेज। सपोज करो मैंने कोचिंग का एडवांस में रेंट दे रखा है, तो उस कोचिंग को, उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूँ, उस जगह को क्या कर सकता हूँ, यूज, मतलब उन्होंने सर्विसेज मुझे दे दी, ओके, एडवांस में हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चेंज कैश में, कोई लाइबिलिटीज में कोई ऐसा चेंज नहीं हो रहा, क्विकली चेंज नहीं हो रहा। सो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्विक एसेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो क्विक एसेट नहीं होगा, ओके। और उसके बाद स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, अब स्टॉक तो है, बिकेगा तो, लेकिन ये नहीं पता कब बिकेगा, ओके, हमें टाइम पीरियड नहीं पता। डेटर्स में तो हमें टाइम पीरियड पता था, लेकिन स्टॉक में हमें टाइम पीरियड नहीं पता है स्टूडेंट, ओके। सो स्टॉक करंट तो है लेकिन क्विक एसेट नहीं है, ठीक है। और आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओके, अभी बेचो 2 दिन के अंदर अंदर पैसा आपके पास आ जाएगा, तो ये क्या है, ये करंट भी है और क्विक एसेट भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। और उसके पास आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो स्टूडेंट ये था करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस। अब मैं बताता हूं आपको करंट एसेट और क्विक लाइबिलिटीज में डिफरेंस, ओके। अब जैसे सपोज करते हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो ऐसे करंट एसेट और ये करंट लाइबिलिटी क्विक एसेट्स, ठीक है। अब हम करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, ये है करंट लाइबिलिटीज और ये है क्विक लाइबिलिटीज, ठीक। अब देखो करंट लाइबिलिटीज और क्विक लाइबिलिटीज, सपोज करो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आपकी लिमिट होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, 2 लाख 4 लाख 10 लाख
टाइम पीरियड कितना भी ले लो बैंक के लिए तो और फायदा है, जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट अपने ऊपर रखोगे बैंक को तो ज्यादा फायदा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा जो आपके ऊपर चढ़ता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर काउंट होती जाएगी। सो यहां पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, सो इसका मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्विक लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं है, किसका होगा वो करंट लाइबिलिटीज का क्या होगा पार्ट होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। सो है तो ये लाइबिलिटी, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रूडेंस, कि अपनी होने वाली इनकम को इनकम मत मानो लेकिन एक्सपेंडिचर जो होने हैं बाद में उनको क्या मान लो अपना एक्सपेंस मान लो। तो जो लाइबिलिटी आपकी फ्यूचर में अराइज होनी है उसे अभी क्या मान लो अपनी लाइबिलिटी मान लो। दैट्स वाई यहां पर हमने क्विक एसेट की जगह हमने क्या यूज करना है, क्विक लाइबिलिटीज की जगह क्या यूज करना है, करंट लाइबिलिटीज यूज करना है। ये हो सकता है स्टूडेंट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, अब मैंने आपको ये चीज समझा दी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछना है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अब हमने करंट रेशो का फॉर्मूला देखा, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और क्विक रेशो का फॉर्मूला देखा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये दो रेशो समझ में आ गए। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन कर लो, अब फॉर्मूला हम ड्राफ्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मूला ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बना दिया, क्या क्या चीजें होंगी वो मैंने आपको समझा दी, अब और क्या क्या फॉर्मूले ड्राफ्ट हो सकते हैं वो समझना जरा, इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूले और ड्राफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ा, और क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, और स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और मेक योर प्रॉपर नोट्स व्हाइल यू स्टडिंग। ओके, सो आपके पास पेन पेपर कॉपी सब चीज होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ओके, सो हमने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम यहां पर बात करें करंट एसेट की, तो करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस कौन सी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस विदाउट हैविंग वर्किंग कैपिटल कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। हमारे पास डे टू डे एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करंट में पैसा होना चाहिए। ओके, वर्किंग कैपिटल। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम यहां से करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले को इंटरचेंज करके, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, या फिर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको ये फॉर्मूले सारे के सारे बैलेंस शीट से बताता हूं और हम पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट को समझेंगे। ओके, इससे आपको आसानी रहेगी स्टूडेंट। यहां पर एसेट है हमारे पास, ये हमारे पास लाइबिलिटीज का कॉलम है, यहां पर हमारे पास होंगी फिक्स्ड एसेट, क्या होंगी फिक्स्ड एसेट, यहां पर हमारे पास होंगी करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट अलग से होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दूसरा होता है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांस होंगे, अलग से हो सकते हैं लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। ठीक, यहां पर हमारे पास होगी स्टूडेंट्स कैपिटल, हमारे पास होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, यहां पर हमारे पास होगी नॉन करंट लाइबिलिटी और हमारे पास क्या होगी करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों का सम क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां से हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। देखो, एक होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है स्टूडेंट्स वो समझना। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होती है इक्विटी, एक क्या होती है इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और क्या होता है इक्विटी। अब इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विटी इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां पर मैंने कैपिटल लिखी है तो इसमें दोनों हो सकती है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। ठीक है, ओके, इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस इक्विटी को हम और नाम देते हैं स्टूडेंट शेयर होल्डर्स फंड, क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अगर मैं इनको बोलना चाहूं तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, इक्विटी का नाम दे सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स फंड का हम इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर हम इक्विटी को प्लस कर दें किसमें, नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर इक्विटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से फॉर्मूला ड्राफ्ट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गया, अब देखो करंट लाइबिलिटीज का क्या फॉर्मूला हो सकता है, करंट लाइबिलिटीज अगर हम कैलकुलेट करें। ठीक है, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, यहां का टोटल हमारे पास पूरा होगा। ओके, तो ये कौन सी एसेट होगी, हमारे पास सारी एसेट का टोटल है, तो क्या बोलेंगे हम इनको, टोटल एसेट, क्या बोलेंगे इनको, टोटल एसेट।
टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दें, ये पूरा का पूरा ओके, इसको हमने क्या नाम दिया है, इन तीनों आइटम्स को क्या नाम दिया हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दें, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें हम, तो हमें क्या मिल जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट, आप बैलेंस शीट बनाकर कोई भी फॉर्मूला ड्राफ्ट कर सकते हो। अब आपको निकालना है नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या निकालना है आपको, नॉन करंट लाइबिलिटीज निकालना है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं आप, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज भी निकल कर आ जाएगा ओके, क्योंकि क्या करना है, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटीज टोटल एसेट में से इन सब का सम माइनस कर दो, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ठीक है। और टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल डेट का मतलब टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी होती है और करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें आपको करंट लाइबिलिटीज यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी ओके, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो हमारे पास क्या जाएगा, करंट लाइबिलिटी ठीक है। तो बहुत तरीके से हम स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं ओके, लेकिन आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, आप किसी कोई भी फॉर्मूला पर ड्राफ्ट कर सकते हो ओके। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो स्टूडेंट ठीक है। अब इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, हमारी शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले बेस्ड हैं ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट ठीक है, चलिए देखते हैं एक मिनट क्वेश्चन कुछ ओके अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी आपके पास शीट है, शीट से क्वेश्चन करिए स्टूडेंट, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप टेस्ट सीरीज जो होगी, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट देखिए खाली बहुत से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो काम करना है ठीक है, काम करते करते आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे स्टूडेंट ठीक है। चलो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ठीक है। करंट रेशो है 2:1, करंट रेशो कितना है 2:1 है हमारे पास करंट रेशो ठीक है, और हमारे पास क्यूक रेशो है, क्यूक रेशो है 0.75 ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 150,000 की, क्या है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है स्टूडेंट, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है यहाँ पर आप करंट एसेट बताओ, क्या बतानी है आपको, करंट एसेट बतानी है, क्या बतानी है, करंट एसेट ठीक है। अब देखें क्या बताना है, करंट एसेट और स्टॉक, क्या बताना है आपको, करंट एसेट और स्टॉक, ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है ओके। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से करना है, देखो जब भी कोई रेशो निकालना हो ना उसका फॉर्मूला पुट कर दो सबसे पहले, तो रेशो तो नहीं निकालना लेकिन फिर भी फॉर्मूला, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, पहले एक लॉन्ग कट से फिर एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे इसमें। करंट रेशो की जगह करंट रेशो पुट कर दो, 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट की जगह करंट एसेट, और ये कितना है, तो ये हो जाएगा करंट एसेट कितनी हो गई 3 लाख रुपीज़ की, करंट एसेट कितनी होगी 3 लाख रुपीज़ की स्टूडेंट ठीक है। तो एक आंसर आ गया हमारे पास कितना, 3 लाख ओके, 3 लाख ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, स्टॉक, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्टॉक निकालना है, स्टॉक। अब आपको पता है स्टॉक कौन सी एसेट बताई थी स्टूडेंट, बना आपको करंट एसेट ओके। एक फॉर्मूला और याद रखना है स्टूडेंट, शॉर्टकट में काम आएगा आपको एक फॉर्मूला, स्टॉक इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस क्यूक एसेट, करंट एसेट में से क्या माइनस कर दें, क्यूक एसेट, तो क्या रहेगा, स्टॉक, व्हेन देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये याद रखें, जब कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस ना हो तो ठीक। अब देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्यूक एसेट निकाल लें, क्यूक एसेट इज इक्वल्स टू क्यूक रेशो इज इक्वल्स टू क्यूक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये है 0.75/1 इज इक्वल टू क्यूक एसेट, तो आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है आपके पास, करंट लाइबिलिटीज ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,000 की 75% वैल्यू कितनी आएगी बताइए स्टूडेंट्स ठीक है। तो हम 1,50,000 को किससे कर देंगे, 3/4 से ठीक है। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना, 37,500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो 0,05 कैरी 1, 2 कैरी 2, 82,500 ठीक है, 82 एक बार चेक कर लेते हैं ओके, इतना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा ठीक है। 37,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,05 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 कैरी 3, 5 3 15 ठीक, 3/4 37,500 ओके। आप मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट्स,
ठीक है 37 ये होता है 75,000 में हम 37,500 और ऐड करेंगे 005 ये हो जाएगा 2 ओके 112,500 कितना हो जाएगा 112,500 ठीक है। तो क्विक एसेट आ गई हमारे पास स्टूडेंट 112,500 ओके ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दो 1,50,000 में से 112,500 माइनस करोगे तो हमारे पास फिर कितना बचेगा 37,500। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 37,500 ठीक है। ये तो स्टूडेंट हमने एक पूरा इतना सारा फॉर्मूला लगा के करा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होते हैं ठीक है। तो 1.2 मिनट्स हमारे पास एवरी क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन जल्दी भी होगा कोई क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा। उसका एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये रेशियो दे रखा है 2:1 रेशियो दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है करंट लाइबिलिटीज। तो ये 2:1 का मतलब क्या है कि दो तो करंट एसेट है हमारे पास और एक क्या है करंट लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है जितनी करंट लाइबिलिटीज होंगी करंट एसेट उसका कितना होगा जस्ट डबल। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी 1,50,000 तो करंट एसेट इसकी कितनी होंगी जस्ट डबल। तो इसका मतलब 1,50,000 का डबल कितना होगा 3,00,000। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितना है स्टूडेंट्स 3,00,000 मतलब बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया ठीक। अब देखो हमारे पास करंट रेशो है 7.75:1 तो इसका मतलब क्या है जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं उसका 0.75 क्या है हमारे पास 0.75 क्या है 0.75 क्यों क्यों एसेट्स हैं क्या है क्विक एसेट्स। तो 1,50,000 का 75% बोल दो या तो 1,50,000 का 75% कितना होता है 112,500 ओके। तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ गई और स्टॉक निकालना है तो करंट एसेट में से क्या माइनस कर देंगे क्विक एसेट को माइनस कर देंगे तो 1,50,000 में से 1,12,500 माइनस करा देन वी गेट 37,500। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको कराया है ओके। तो जो शीट है ना आपको डेली लगानी है स्टूडेंट, जैसे डेली आपको वीडियोस मिलेंगी आपको शीट्स भी डेली लगानी है ठीक है। नेक्स्ट देखो चलो आगे ओके नेक्स्ट देखते हैं इसी में देखते हैं नेक्स्ट ठीक है। आगे चलते हैं अब हम ठीक है इसी वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको स्टॉक भी निकालना दिखा दिया करंट रेशियो भी और क्यूक रेशियो भी ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो ठीक है। और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्लीज बनाते रहो आप लोग ठीक है। और मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर देखा करो स्टूडेंट कि आपका आंसर क्या आ रहा है ठीक है ना, आपका आंसर क्या आ रहा है आप पहले वो देखा करो ठीक है। चलो अब देखते हैं हम इसमें एक्टिविटी रेशो, तो एक्टिविटी का पहले मीनिंग समझ लेना स्टूडेंट, एक्टिविटी और टर्नओवर का मतलब क्या है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स सेल, टर्नओवर का मतलब क्या है सेल। तो इसमें सबसे पहला जो हमें रेशो देखना है वो है स्टूडेंट स्टॉक टर्नओवर रेशो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट याद रखना पहले फॉर्मूला लिख देता हूं उसका, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब आपको अभी अभी बताया सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, एक्टिविटी टर्नओवर का रेश नाम बताया आपने सेल से, लेकिन आपने यहां पे तो सेल नहीं लिया, क्या लिया COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक, और यहां पर स्टॉक टर्नओवर है तो स्टॉक आना चाहिए लेकिन आपने क्या लिख दिया यहां पे एवरेज स्टॉक लिख दिया। सर इसको एक्सप्लेन तो करिए बेटा, थोड़ा सा सब्र करो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ठीक है। अब देखो जरा समझो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक ये फॉर्मूला क्यों बना। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है। अब सपोज करो आपने आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट्स का ठीक है, आपने परचेज कर लिया बाहर से इतना रॉ मटेरियल जिससे आप कितने यूनिट्स बना सकते हैं 900 यूनिट्स आप बना सकते हैं, 900 यूनिट्स क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया 100 यूनिट्स हो गए, 1000 यूनिट्स टोटल कितना हो गया आपके पास 1000 यूनिट्स आपके पास टोटल हो गया स्टूडेंट ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिए उसके पीछे का रीजन समझना स्टूडेंट, ये जो हमारे पास टोटल आया 100 ओके इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे इसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100,000 यूनिट्स हैं टोटल ठीक है, इसकी कॉस्ट थी मान लो ₹1 का एक है ये 900 का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई कितने रुपए हो गए ₹1,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई ₹1,000 की ओके।
जब हमने अपने एक बंदे को भेजा कि भाई जाकर देखो, हमने 100 पीसेस हमारे पास पहले थे, 100 यूनिट, हमने 900 यूनिट्स का रॉ मटेरियल और परचेस कराया, तो हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए, 1000 का। अब लेकिन जब वो डिपार्टमेंट में गया जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, तो वहाँ पर उसने देखा सिर्फ 200 यूनिट्स बचे। क्या बचे? 200 यूनिट्स बचे। तो इसका मतलब 1000 जो हमारे पास थे, हमारे पास सिर्फ कितने बचे, 200 बचे। तो इस 200 को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे? 200 को स्टॉक। और कौन सा स्टॉक होगा ये? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग। सो इसका मतलब हमारे 1000 में से 200 अभी भी बचे, हमने 800 क्या कर दिए, सोल्ड आउट। क्या कर दिए? सोल्ड आउट। क्या कर दिया हमने? सोल्ड आउट। तो मुझे अब एक बात बताइए स्टूडेंट, सेल्स में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या डिफरेंस होता है वो समझना। सेल्स का मतलब क्या है? जब हम सेल्स में से क्या माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल जाएगा। सो हमने क्या करा, 1000 यूनिट हमारे पास टोटल थे, 200 यूनिट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो 800 यूनिट हमने क्या कर दिए होंगे, बनाकर बेचे होंगे। अगर मैं 1000 यूनिट टोटल ले लेता हूं ना स्टूडेंट्स, तो 1000 यूनिट का मतलब क्या, ये 1000 रुपए क्या है, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हमने उसमें से बेचे कितने हैं, सिर्फ 800। तो बताओ हम 1000 की सेल लें या 800 का ही अमाउंट लेंगे? भाई अगर 1000 का ले लेते हैं अभी, तो 200 अभी स्टॉक भी बचा है ना हमारे पास, लेकिन हमारे पास हमने कितना बनाकर बेचा है, 800 यूनिट बनाकर बेचे हैं, तो उसी की कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने यूनिट्स बनाकर बेचे हैं उसी की क्या लेनी है, हमें कॉस्ट लेनी है। इसीलिए हमने सेल ना कंसीडर करके यहाँ पे क्या कंसीडर करा है, कॉस्ट कंसीडर करा है। और कॉस्ट कंसीडर करने के पीछे एक और रीजन है, क्या, स्टॉक का। ओके, स्टॉक। अब देखो स्टॉक को हम कौन से प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर लेते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये आपने अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि हम किस पर लेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। ओके, तो जब यहां पर डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस पर ले रहे हैं, तो यहां पर भी किस पर लेंगे, कॉस्ट प्राइस। इसलिए यहां पर हमने सेल्स की जगह क्या लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यह एवरेज स्टॉक लेने का क्यों, एवरेज स्टॉक क्यों लिया जाता है? जब भी स्टूडेंट्स आप ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा होता है, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, तो फाइनल अकाउंट में जब भी आप बनाते हो, तो एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है आपका, और दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने एक ही ऐसा आइटम है स्टॉक जिसको आपने दो बार रिकॉर्ड करा, ओपनिंग भी रिकॉर्ड करा और क्लोजिंग भी। बाकी चाहे कितनी भी एसेट हो, आपने उनको कितनी बार रिकॉर्ड करा, सिर्फ एक बार। ओके, तो अब एक बार आपने ओपनिंग लिया, एक बार आपने क्या लिया, क्लोजिंग लिया, तो क्या बन गया भाई, एक बार ओपनिंग एक बार क्लोजिंग, तो दोनों कितने, एक एक मिलाकर कितना होगा, दो। तो दोनों का क्या ले लेते हैं हम, एवरेज ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, एवरेज स्टॉक को हम यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टूडेंट आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने इसको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्या बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो मेरा इस वीडियो में स्टूडेंट्स जो कराने का मकसद है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं हम, तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ठीक है, मैंने कोई फास्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास डेटर्स टर्नओवर। क्या आता है हमारे पास, डेटर्स टर्नओवर। यस, को रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो डेटर्स टर्नओवर, तो डेटर्स का मतलब क्या, डेटर्स कब अराइज होते हैं, डेटर्स कब अराइज होते हैं, जब हम सेल करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सेल। और सेल भी दो तरीके की होती है, या तो होगी कैश सेल या फिर क्या होगी, क्रेडिट सेल। और कैश सेल में कोई डेटर्स थोड़ा अराइज होते, कहां पर होते हैं, क्रेडिट सेल में। किसमें होते हैं, क्रेडिट सेल में। ठीक है, तो यहां पर जो मेन बेस आ गया वो आ गया हमारा नेट क्रेडिट सेल। क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल। क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, अपॉन में क्या होंगे, अपॉन में डेटर्स। अब लेकिन ये भी समझना डेटर्स के पीछे क्या रीजन है, हम डेटर्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एवरेज बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, एवरेज बिल्स रिसीवेबल। अभी एवरेज बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया सर, देखो समझो, हमने कुछ लोगों को एक तो उधार दिया होगा और दूसरों को कुछ को बिल काट के दिए होंगे। बिल काट के क्यों दिए होंगे, कुछ डेटर ऐसे होते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो हमें बार बार अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे चक्कर लगवाते हैं, हम उनके पास पैसे मांगने जाते हैं, वो कहते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना। तो हम क्या करते हैं, उनसे बिल साइन करा लेते हैं कि भाई हम बार बार नहीं आएंगे, हम आपके पास एक ही बार आएंगे, लेकिन आप हमें एक टाइम पीरियड बता दो कि कितने टाइम पीरियड में हमें आपके पास आना है, तो उसी टाइम पीरियड में हम आपके पास आके पैसा ले जाएंगे। तो हैं तो दोनों डेटर, लेकिन कुछ लोगों को हमने क्या काट के दे दिए, बिल काट के दे दिए हैं। ठीक है, ओके। सो तो इन, इसको हमने बोला बिल रिसीवेबल, तो डेटर्स इंक्लूड्स बिल रिसीवेबल, तो ये बात एक ही है। ओके, कौन से लेने हमें,
एवरेज, कौन से लेने, एवरेज। क्यों लेने एवरेज, क्यों लेने, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जब भी गिवन होगा स्टूडेंट तो आप क्या लेंगे, हमेशा एवरेज लेंगे। जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है तब आप एवरेज लेंगे, आपको एक बार डेटर गिवन है और एक बार आपको क्या गिवन है, बिल रिसीवेबल, तो फिर आपको एवरेज नहीं लेना है स्टूडेंट। जब दोनों डेट, दो चीजें गिवन होंगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तभी हम उसका क्या लेते हैं, एवरेज लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो यहां पे आ जाएगा एवरेज बिल रिसीवेबल, क्या आ जाएगा, एवरेज बिल रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। सेम इसी का एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, थर्ड इसका कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर, बिल्कुल सेम है। अब तो ये आप खुद भी कर लोगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स का प्राइस होते हैं जब हम परचेस करते हैं, कौन सी परचेस, क्रेडिट परचेज, और यहां पे भी कौन सा लेंगे, नेट क्रेडिट, क्योंकि रिटर्न को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन, देखो यहां पर हमने क्या लिया था, एवरेज बिल रिसीवेबल, यहां पर क्या ले लेंगे, एवरेज बिल्स पेबल, क्या लेंगे, एवरेज बिल्स पेबल, और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम, एक्सप्लेनेशन क्या है, बिल्कुल सेम। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्या आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आपको मेंशन होगा, लेकिन आप ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आप क्वेश्चन में सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आप सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो ये है, अगर वैसे तो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है नहीं तो स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, जितनी भी हमने किसी चीज को बनाने में लागत आई है, तो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, भाई ओपनिंग स्टॉक क्यों, क्योंकि ये भी तो हमने 100 यूनिट हमारे पास पहले से बचे हुए थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्शन कर रहे हैं, तभी तो ये 1000 हुआ, तो इसका मतलब ये अभी की भी कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक, प्लस जो हमने क्या करा है, रॉ मटेरियल क्या करा है, परचेस किया, प्लस उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारे पास, तो जो टोटल जो होगा ये कितने की कॉस्ट आई थी, 1000 यूनिट्स की, लेकिन हमें कितने की कॉस्ट चाहिए स्टूडेंट, हमने बेचे कितने थे 800, तो हमें 800 की तो कॉस्ट चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्या चीज माइनस कर देंगे जो हमें 800 की कॉस्ट चाहिए, ये 200 माइनस कर देंगे, और ये 200 क्या था, स्टॉक, कौन सा स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझ में आई हो, मैंने आज आपसे डिस्कस किया स्टूडेंट यहाँ पर दो टाइप के रेशियोज डिस्कस किए मैंने आपसे, पहला कौन सा था, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा था एक्टिविटी और टर्नओवर। ओके, लिक्विडिटी में हमने दो देखे स्टूडेंट्स, करंट और क्विक रेशियो, दूसरा हमने देखा टर्नओवर में हमने क्या देखा, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली हो इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और अपनी स्टडीज प्रॉपर करते रहें, कंटिन्यू करते रहें स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।